गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड द नंबर 0 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। मीन इंटीजर्स क्या है? सारे नंबर जो कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, सारे नंबर्स नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 वो 0 और उनके नेगेटिव्स, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये एक नंबर लाइन होती है बेटा जिसमें जो मिड पॉइंट होता है वो आपका होता है 0। 0 ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो 0 इज ना, 0 इज एन इंटीजर, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और 0 के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जो लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे जैसे हम राइट में मूव करते जाएंगे हमारे नंबर्स इंटीजर्स बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में मूव करते हैं हमारे इंटीजर्स छोटे होते जाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। -1 ग्रेटर है -2 से, क्योंकि -1 राइट में है और -2 लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला नंबर जो इंटीजर है वो राइट वाले इंटीजर से हमारा छोटा होगा। सिमिलरली कि 1 less than 3, क्योंकि 3 राइट में होता है और 1 कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। तो ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये निगेटिव इंटीजर। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होती है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की उसे हम डिनोट करते हैं बाय दिस, दो लाइंस होती हैं इसके अंदर हम इस वैल्यू को डालते हैं। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इज आदर 0 और पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। यानी किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। जैसे 9 है, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 9, और -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 9। ये जो माइनस साइन होता है वो निकलार हो जाता है। और जो 0 है, ठीक है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी,